hello everyone i am yamini tukral and i welcome you to ada 24-7 school सो बच्चों चैप्टर नाइन स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन के अंदर हमने जो पहला सब टॉपिक देखा था वो देखा था एनिमल हस्बेंड्री जिसके अंदर हमने एनिमल की रेयरिंग और उनके रेजिंग के और उनके ब्रीडिंग के तरीके देखे थे कि कितने तरीकों से उनकी ब्रीडिंग होती है और जिससे कि हम जो है अपने डिजायरेबल प्रोडक्ट्स फॉर ओन यूज डिराइव कर सकते हैं तो आज हम चलते हैं प्लांट्स की तरफ तो प्लांट ब्रीडिंग रहेगा हमारा आज का सब टॉपिक तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लांट ब्रीडिंग के साथ सो प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है इट इज़ द पर्पजफुल मैनिपुलेशन ऑफ द प्लांट स्पीशीज जैसे कि एनिमल स्पीशीज की जब हमने पर्पजफुल मैनिपुलेशन देखी थी तो वो किसके अंदर आई थी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर तो सिमिलरली हमारी जो है प्लांट ब्रीडिंग के अंदर जो है पर्पजफुल मैनिपुलेशन ऑफ द प्लांट स्पीशीज आती है किसकी आती है पर्पजफुल मैनिपुलेशन ऑफ द प्लांट स्पीशीज इन ऑर्डर टू क्रिएट द डिजायर्ड प्लांट हमारा जो मेन मोटिव है जब हम फूड प्रोडक्शन के एनहांसमेंट की बात करते हैं तो जो हमारा मेन मोटिव है वो है हमें डिजायर्ड स्पीशीज ऑप्टेन करना चाहे वो प्लांट्स की हो या फिर वो एनिमल्स की हो हमारा मेन मोटिव यही है कि हमें जो है स्पीशीज अपनी जो है डिजायर्ड स्पीशीज अटेन करनी है तो उसी के लिए हमने क्या किया है पहले एनिमल हस्बेंड्री देखा था एंड देन अब जो है हम लोग प्लांट

क्यों जो है डिज़ायर्ड प्लांट स्पीशीज़ को डिज़ाइन करते हैं क्योंकि वो हमें चाहिए कि जो कि बेटर सूटेड हो फॉर कल्टीवेशन उनको कल्टीवेट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए उनकी ईल्ड जो है उनकी यील्ड अच्छी हो और वो जो है बेसिकली डिजीज़ रेजिस्टेंट हो ताकि हमें अलग अलग फर्टिलाइजर्स केमिकल्स की ज़रूरत ना पड़े कि हमें उनके डिजीज जो है प्रिवेंट करने हैं तो क्या होगा हमने जो है प्लांट टाइप्स डिज़ायर्ड डिज़ाइन करने हैं विच हैव

<laughs> वो सुपीरियर होती हैं, जो प्योर लाइन स्पीशीज होती हैं वो सुपीरियर स्पीशीज होती हैं क्योंकि उन्हीं सुपीरियर स्पीशीज को हम क्रॉस करवाएंगे उन्हीं का हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे जिसकी वजह से हमें आगे भी जो है सुपीरियर वैरायटी मिले एंड देन इट इज फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू प्रोड्यूस प्लांट्स डिजायरेबल ट्रेड्स ऑफ हाई न्यूट्रिशन एंड रेजिस्टेंट टू द डिजीज मेन मेन स्टेप्स इन प्लांट ब्रीडिंग जो main main हमारे कौन कौन से स्टेप्स प्लांट ब्रीडिंग के अंदर सबसे पहला है हमारा कलेक्शन ऑफ द वेरिएबिलिटी हमें बहुत सारे वेरिएबल प्लांट के स्पीशीज को कलेक्ट करना है क्योंकि वेरिएबिलिटी हमें जो आगे डिजायरेबल रिजल्ट देती है तो सबसे पहला हमारा रहेगा कलेक्शन ऑफ द वेरिएबिलिटी इट इज द कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट वाइल्ड वराइटीज स्पीशीज स्पीशीज एंड ऑफ़ तो जब हम िटी की कलेक्शन की बात करते हैं तो वो क्या होता है बेसिकली इट इज द कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन कलेक्शन और प्रिजर्वेशन होता है और जितनी भी वाइल्ड वराइटीज होती हैं उनका उनकी स्पीशीज का और उनके जितने भी कल्टिवेटेड स्पीशीज से रिलेटिव रिलेटेड है उनका ऑल जीन्स के या फिर एक गिवन क्रॉप के अंदर जितने भी स्पीशीज हैं उनकी सारे जीन्स की जो वैरायटी है अगर हमने वो एलील्स को इकट्ठा करके एक जगह पे स्टोर कर लिया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे जर्म प्लाज्म कलेक्शन तो सबसे पहला हमें पता चल गया क्या स्टेप होता है प्लांट ब्रीडिंग में कलेक्शन ऑफ दी वेरिएबिलिटी दूसरा स्टेप है हमारा इवेलुएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स इवैलुएशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स क्योंकि अगर पेरेंट्स हमारे सुपीरियर वैरायटी के होंगे अच्छी वैरायटी के होंगे तो ही तो जो हमें आगे ऑफ है वो आगे अच्छी वरायटी के मिलेंगे है ना सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा रहता है कि इवेलुएट करना और सेलेक्ट करना पेरेंट्स को इवेलुएट करना और सेलेक्ट करना पेरेंट्स को इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स विद द डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरस्टिक्स तो जो पेरेंट्स हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं उन पेरेंट्स के पास हमारे जो है डिजायरेबल कैरेक्टरस्टिक्स होने चाहिए सो द सेलेक्टेड प्लांट्स दे आर मल्टीप्लाइड एंड यूज इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रेटाइजेशन तो जैसे हमने दो प्लान सेलेक्ट किए दोनों के पास हमारी डिजायरेबल ट्रेड्स हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उनको जो है फिर सबको हाइब्रिडाइज करवा देंगे मतलब दोनों का सबकी मेटिंग करवा के उनको हाइब्रिडाइज करके उनके हाइब्रिड्स प्रोड्यूस कर देंगे जिसके अंदर हमारे डिजायरेबल ट्रेड्स हो जिस ऑक्स्प्रिंग के अंदर हमारे डिजायरेबल ट्रेड्स हो तो दो स्टेप्स हमें क्लियर हो गए कलेक्शन ऑफ येबिलिटी देन इवेलुएशन एंड सेलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स देन थर्ड स्टेप इज द क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन इट इज़ द

फॉर एग्जाम्पल हाई प्रोटीन क्वालिटी ऑफ वन पेरेंट मे नीड टू बी कंबाइंड विद द डिजीज रेजिस्टेंट फॉर्म फ्रॉम दर पेरेंट एक पेरेंट के पास हमारा क्या है हाई प्रोटीन एक पेरेंट के पास हमारा क्या है हाई प्रोटीन और दूसरे पेरेंट के पास क्या है हमारा डिजीज रेजिस्टेंट है ना डिजीज रेजिस्टेंस तो उन दोनों को जब हम क्रॉस हाइब्रिडाइज करवाएंगे तो जो हमारा आगे हाइब्रिड बनेगा जो हमारा आगे हाइब्रिड बनेगा उसके अंदर ये दोनों चीजें होंगी वो हाई प्रोटीन कंटेंट भी देगा और वो डिजीज रेजिस्टेंस भी शो करेगा तो हमें क्या पता चल गया कि जो ऑफस्प्रिंग आगे आया उसमें हमें जो कैरेक्टर्स चाहिए थे जो भी डिजायरेबल ट्रेट्स थे वो हमें आगे मिल गए तो इसलिए क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन हमारा थर्ड स्टेप रहता है देन फोर्थ स्टेप इज द दिल्क्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द सुपीरियर रिकीकोम्बिनेट्स अब जो हमारा हाइब्रिड बना जो हमारा रिकॉम्बिनेंट बना उसको हम रिकॉम्बिनेंट क्यों बोलेंगे क्योंकि वो क्रॉसिंग ओवर से प्रोड्यूस हुआ है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन से प्रोड्यूस हुआ है इसलिए हम लोग उसे रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे सो जो हमारा रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस हुआ है सो द सिलेक्शन प्रोसेस इट इज क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ द ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव तो उसका हमें सिलेक्शन भी करना पड़ेगा जो हमारा रिकॉम्बिनेंट बना है हमने उसका सिलेक्शन भी करना है सो द सेलेक्शन प्रोसेस इट इज क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ द ब्रीड

तो हम इसे टेस्ट करेंगे चाहे हम इसे किसी कल्चर uh, मीडियम में डालें जिसके अंदर वो डिजीज़ हो कि ये इससे रेजिस्टेंस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है या फिर हम इसकी प्रोटीन क्वांटिटी को असेस uh, करें तो हम ऐसे करके जो है इसको टेस्ट करेंगे इस सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट को हम लोग टेस्ट करेंगे ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन के बाद का ही स्टेप रहता है

सबसे पहला जो हमने प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट देखा था वो हमने देखा था व्हीट एंड राइस के अंदर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस इट इंक्रीज ट्रिमेंडियसली बिटवीन द 1960 एंड 2000 ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ स्वेमी ऑफ वराइटी ऑफ राइस एंड व्हीट तो राइस एंड व्हीट की जो प्रोडक्शन चल रही थी नाइनटीन से पहले हमने देखा कि नाइनटीन से दो तक उसकी जो राइस uh, करी है उसकी राइस कर गई है प्रोडक्शन ऐसा क्यों बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ सेमी डॉफ वराइटीज सेमी डॉफ वराइटीज ऑफ बोथ राइस एंड द व्हीट जैसे ही ये वराइटी को इंट्रोड्यूस किया गया इसकी जो है प्रोडक्शन ट्रिमेंडसली बढ़ गई सो इन नाइनटीन सिक्सटी थ्री सेवरल वराइटी सोनालिका एंड कल्याण सोना विच वर हाई हाईिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट वर इंट्रोड्यूस ऑल ओवर द व्हीट ग्रोइंग फील्ड ऑफ इंडिया तो नाइनटीन सिक्सटी थ्री के अंदर हमने देखा <coughs> कि वीट की दो वरायटीज़ आई सोनालिका एंड कल्याण सोना जो कि हाईली यील्ड भी हाई यील्ड भी दे रही थी और उसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस भी थी तो जब हमने ये देखा कि ये दो वराइटीज इतनी अच्छी हैं कि ये यील्ड भी अच्छी दे रही हैं और ये डिजीज रेजिस्टेंस भी है इनके अंदर तो इन्होंने जो है फटाफट से पूरे इंडिया ऑल ओवर इंडिया में वीट ग्रोइंग फील्ड में इंट्रोड्यूस कर दिया गया सो द सेमी डो ऑफ राइस वराइटीज देवर डेराइव फ्रॉम आई आर एट एंड टाइचू नेटिव वन Were in 1966. So, जब हम लोग सेमीड्रॉफ राइस वराइटी की बात कर रहे हैं सेमीड्रॉफ राइस एंड वीट वराइटी तो सेमीड्रॉफ जो राइस वराइटी है सो टाइचुंग नेटिव वन जो थी वो भी हमारी इंट्रोड्यूस की गई थी इन द 1966. सिक्सटी सिक्स लेटर बेटर यूल्डिंग सेमीड्रॉफ वरायटीज जया एंड रत्ना देवर डेवलप्ड इन इंडिया सबसे पहला जो इंट्रोड्यूस किया गया था राइस की वो थी टाइचुंग नेटिव वन ठीक है वन हमारी सेमीडॉफ वराइटी थी पर बाद में रियलाइज किया गया कि इंडिया ने ही दो वैरायटीज डेवलप कर ली थी जया एंड रत्ना जो वराइटीज हाई यील्डिंग थी इससे ज्यादा टाइचुंग नेटिव से शुगर केन पे हम आते हैं सैकरम बैरबरी एंड सैकरम ऑफिशन वो क्रॉस टू तो गेट द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ हाईल्ड थिक स्टेम हाई शुगर एंड एबिलिटी टू ग्रो इन द शुगर केन एरिया नॉर्थ इंडिया जब शुगर केन के युगर केन के प्रोडक्शन की बात आई, के के बाद आई तो यह देखा गया कि जब हम सैक्रम बैरेबरी और सैक्रम ऑफिशनरम को क्रॉस करते हैं तो हमें कौन कौन सी क्वालिटी वाला जो है रिकॉम्बिनेंट मिलता है हाई ईल्ड थिक स्टेम हाई शुगर एंड इट हैज़ दी एबिलिटी टू ग्रो इन ग्रो इन द शुगर केन एरियाज ऑफ द नॉर्थ इंडिया मतलब वो जहाँ पे ऑलरेडी शुगर क्रेन ग्रो कर रहा है शुगर केन जहाँ पे भी ग्रो कर रहा है इंडिया में वो वहाँ पे ग्रो कर सकता था तो हमने देखा कि साकारम बारबरी और ऑफिश नरम को क्रॉस करवा के अगर ऐसी वराइटी आ रही है तो ये वराइटी को इंट्रोड्यूस किया जाए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज थी इंक्लूडिंग द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी इज द हाई ईल्ड एंड आफ्टर दैट इट इज द थिक स्टेम एंड आफ्टर दैट इज द हाई शुगर कंटेंट एंड द लास्ट वन इज द ability to grow in the sugar cane growing areas of the north india next hamara aaya millets hybrid maize jowar and bajra they are developed in india and these varieties they are high yielding and they are resistant to the water stress to millets ko jab grow karne ki baat aayi to humne hybrid maize bajra, jowar ये सारा का सारा बनाया और ये पता चला कि जो इनका hybrid variety है उन पर क्या था हाई यील्ड थी और रेजिस्टेंस टू वाटर स्ट्रेस तो ये इसकी वजह से जो है भी अच्छा प्रोडक्टिविटी करने लग गए। प्लांट प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे जो फंगल बैक्टीरियल और पैथोजन है वायरल पैथोजन है वो सारे के सारे क्या करते हैं और क्वालिटी पे डिप्राइव करते हैं यील्ड और क्वालिटी ऑफ द क्रॉप प्लांट्स को डिप डिप्राइव करते हैं तो हमने क्या डेवलप किया प्लांट ब्रीडिंग फॉर द डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट्स कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ही एक डिजीज़ रेजिस्टेंस जो है डेवलप कर दो जिससे कि जो ये पैथोजेंस है चाहे वो फंगल हो चाहे वो बैक्टीरियल हो चाहे वो वायरल हो वो उसे अफेक्ट ना कर पाए और उसकी ईल्ड और उसकी क्वालिटी को ना खराब करे है ना क्योंकि हमें ईल्ड और क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है अगर हमें फूड प्रोडक्शन बढ़ानी है फूड प्रोडक्शन बनाने के लिए फर्स्ट प्राइमरी स्टेप इज द इंक्रीजिंग इन द ईल्ड एंड सेकेंड इज द क्वालिटी है ना तो जब ये पैथोजेंस क्रॉप पे आके उसको खराब करे तो क्यों ना इन पैथोजेंस के अगेंस्ट ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करी जाए हमारी क्रॉप के अंदर जिससे कि वो इजिली इनको टैकल कर ले सो टू मिनिमाइज दिस लॉस डिजीज रेजिस्टेंट वराइटीज देवर डेवलप्ड ब्रीडिंग इज कैरियड आउट बाई कन्वेंशनल मेथड और बाई म्यूटेशन ब्रीडिंग जब हम ब्रीडिंग की बात करते हैं तो कन्वेंशनल मेथड से हो सकती है कि हमने दो सुपीरियर वराइटी लेके उनको क्रॉस करवा दिया और हमें जो ऑफ स्प्रिंग के अंदर हमारे डिजायरेबल प्रोडक्ट दिख गए या फिर हम जो है म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू भी ये कर सकते हैं या फिर हम ये म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं इसमें क्या होता है सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे एक जिनोम को विथ डिजीज रेजिस्टेंट ट्रेड सबसे पहला यही काम होता है सेलेक्शन तो जब हम सिलेक्शन करने जाते हैं तो हमें ऐसा जिनोम सिलेक्ट करना है जिसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंट हैं सेकंड क्या होगा मेटिंग होगी हमारे सिलेक्टेड पार्टनर्स की जो मैंने स्टार्टिंग में आपको प्रोसेस बताया था बेसिक प्रोसेस बच्चों वही सेम रहता है थोड़े बहुत वेरिएशन नाइनटीन ट्वेंटी मतलब उन्नीस बीस के फर्क आते रहते हैं तो बेसिक जो प्रोसेस है वही सेम रहता है उसी के प्रिंसिपल पर सारे प्रोसेसिस डेवलप होते हैं टू तो डेवलप दिस डिजायरेबल ट्रेड्स तो जब हम डिजायरेबल ट्रेड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जिनोम चाहिए जिसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंट ट्रेड्स हो नेक्स्ट हमें मेटिंग करवानी पड़ेगी थर्ड हमारा वही सिलेक्शन ऑफ दी सुपीरियर की जो हमारे हाइब्रिड बने हैं उनका सिलेक्शन करना है उसके बाद फोर्थ है हमारा टेस्टिंग ऑफ दाइब्रिड फॉर सुपीरियर वराइटी अब जो हाइब्रिड के अंदर सुपीरियर वराइटी आ गई हमें टेस्ट भी तो करना है कि क्या वो सुपीरियर वरायटी हमें दिखाई दे रही है क्या वो काम कर रही है या फिर सिर्फ वो नाम की है है ना और लास्ट होगा हमारा रिलीज ऑफ द न्यू वैरायटी टू द कल्टीवेटर्स जो भी कल्टीवेटर्स हैं उनको वो वाली वैरायटी रिलीज कर दो तो यही जो है बेसिक स्टेप्स हमारे ब्रीडिंग के अंदर रहते हैं चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो सो so, जब हम डिजीज रेजिस्टेंट की बात करते हैं तो क्रॉप थी हमारी व्हीट उसकी वैरायटी हिमगिरी वो कौन से डिजीज से रेजिस्टेंट है लीफ एंड स्ट्राइप्रस्ट हिल बंड देन ब्रास्टिका की जब हम वैरायटी देखें वो है हमारी पूसा स्वर्णियम जो कि वाइट रस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है देन क्वाली फ्लार की है पूसा सुब्रा एंड पूसा स्नोबॉल केवन जो कि ब्लैक रॉट डिजीज एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट है देन हम देखेंगे काओपी क्रॉप के वो उसकी कौन सी वराइटी पूसा कॉर्नल वो किसके अगेंस्ट है बैक्टीरियल ब्लाइट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है देन है चिली जिसको हम लोग पूसा सदाबहार भी बोलते हैं वो किस डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है चिली वायरस टोबैको मोजाइक वायरस एंड लीफ तो ये सारी कुछ क्रॉप्स है उनकी वैरायटी है जो कि रेजिस्टेंट रेजिस्टेंट टू द कौन से डिजीज से डिजीज है ये सारी की सारी स्टेबल के अंदर दी गई है सो प्लांट बीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट के अंदर सो इट इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक वेरिएशन दे आर क्रिएटेड थ्रू चेंजेस इन द sequence within the genes which results in the creation of a new character. So, character कैसे आता है? Genetic variation से तो वही बताया गया है कि जब हम लोग disease resistant plants को बना रहे हैं, तो उन plants को बनाने के लिए क्या होता है? हमें genetically variation करवानी पड़ती है, जो कि कैसे create होती है? By changing the sequence within the genes. जब हम वो sequence को जो जीन्स के सीक्वेंस है उनको चेंज करते हैं और उससे क्या होता है हमारा क्रिएशन ऑफ न्यू कैरेक्टर उससे हमारा इजीली जो है नया कैरेक्टर बन जाता है जो कि हमारा पेरेंटल टाइप्स के अंदर नहीं होता है सो इट इज डन बाय यूजिंग म्यूटेंट्स लाइक केमिकल्स और रेडिएशन एंड दिस प्रोसेस इट इज नोन एज म्यूटेशन ब्रीडिंग जो बच्चों हमने पहले वाला प्रोसेस देखा था हमारी कन्वेंशनल ब्रीडिंग जो होती है वैसी चलती है ये है हमारी म्यूटेशनल ब्रीडिंग इसके अंदर क्या होगा हम किसी म्यूटेंट या तो केमिकल या फिर रेडिएशन के थ्रू उसके थ्रू क्या करेंगे हम लोग जेनेटिक वेरिएशंस करेंगे जेनेटिक वेरिएशंस करेंगे जो कि सीक्वेंस बेस सीक्वेंस जो कि हमारे जीन्स के अंदर होंगे उसे ऑल्टर करेगा और उससे क्या होगा हमारी न्यू वराइटीज बनेंगी जो कि पेरेंटल वराइटीज से डिफरेंट है ओके okay? सो एग्जाम्पल है इसका मूंग बीन रेजिस्टेंस टू येलो मोजैक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू वर इंड्यूसड बाई म्यूटेशन जब हम मूंग बीन की बात करते हैं तो उसको वो रेजिस्टेंट है टू द डिजीजेज येल्लो मोजैक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू वो जो है हमारा म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू ही बनाया गया है देन रेजिस्टेंस टू येल्लो मोजैक वायरस इन भिंडी वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ वाइल्ड स्पीशीज एंड रिजल्टेड इन अ न्यू वराइटी ऑफ ए एस्क्यूलेंट एस्क्यूलेंटस कॉल्ड प्रभानी क्रांति सो so, जब हम लोग येलो मज़ायक वायरस से रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वो भिंडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि वाइल्ड वरायटी से ट्रांसफर हुआ था इंटू अ न्यू वराइटी विच वॉज़ ए एस्क्यूलेंस कॉल्ड पर भानी क्रांति पर भानी क्रांति तो भिंडी की ये वैरायटी जो है हमारी येलो मज़ायक वायरस के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट है देन प्लांट ब्रीडिंग फॉर द इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट अब हमने डिजीजेस का देख लिया कि पैथोजेंस के अटैक से वो कैसे बच सकते हैं इसके बाद में आता है कि जो इंसेक्ट्स हमारी क्रॉप के आसपास घूम रही होती है उससे अगेंस्ट भी तो रेजिस्टेंस चाहिए है ना उसके अगेंस्ट भी तो रेजिस्टेंस चाहिए तभी तो प्लांट आगे ग्रो कर पाएगा नहीं तो इंसेक्ट आके सारे के सारे क्रॉप को खराब कर देगी है ना सारे के सारे क्रॉप को खराब कर देगी तो इंसेक्ट से भी रेजिस्टेंट चाहिए

फ्लैट बीन जो पूसा सेम टू पूसा सेम थ्री है वो कौन से पेस्ट से रेजिस्टेंट है एफिड फ्रूट बोरर जैसे क्रॉप है वो ओखरा यानी कि भिंडी उसकी वैरायटी पूसा सवानी एंड पूरे दे आर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द शूट एंड द फ्रूट बोरर तो ये कुछ वैरायटीज़ हैं जो कि कौन से इंसेक्ट से रेजिस्टेंट है ये आप लोग देख सकते हो आपकी एन के अंदर भी यही वाला जो है टेबल दिया हुआ है यही वाला टेबल दिया हुआ है देन प्लांट ब्रीडिंग फॉर द इम्प्रूव्ड फूड वैरायटी फूड वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कौन सी प्लांट ब्रीडिंग का कैसे जो है इस्तेमाल कर सकते हैं सो मोर देन एट फोर्टी मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड दे डू नॉट हैव द दुएट फूड टू मीट देअर डेली फूड एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अराउंड एट मिलियन अराउंड द वर्ल्ड जो पीपल हैं उनको अपना खाना ही उतना नहीं मिलता कि वो एडिक्वेट जो अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा कर सके सो अ फार ग्रेटर नंबर विच इज़ थ्री बिलियन पीपल दे सफ़र फ्रॉम माइक्रो प्रोटीन एंड विटामिन डिफिशेंसी जब हम थ्री बिलियन पीपल की बात करते हैं तो वो किससे सफ़र कर रहे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोटीन्स एंड वाइटमिन डिफिशेंसी और दी हिडन हंगर इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिडन हंगर बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाय इन अ फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेग्यूम्स फिश एंड मीट कौन सी कौन सी डेफिशिएंसी से, से जूझ रहे हैं जो थ्री बिलियन पीपल है वो जूझ रहे हैं फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोटीन एंड वाइटमिन जिसको हम लोग हिडन हंगर भी बोलते हैं सो द डाइट लैकिंग एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिय पर्टिकुलरली आयरन वाइटामिन एंड आयोडीन एंड जिंक दे इंक्रीज द रिस्क फिजीज रिड्यूज द लाइफ स्पैन एंड रिड्यूज द मेंटल एबिलिटीज अगर डाइट के अंदर वाइटमिन ए मिसिंग है आयरन मिसिंग है आयोडीन मिसिंग है जिंक मिसिंग है तो वो क्या करता है इट इंक्रीज द इट इंक्रीज द रिस्क फॉर द डिजीजेस लाइफ स्पैन को रिड्यूस करता है और मेंटल एबिलिटी को भी रिड्यूस कर देता है तो हमें पता है कि अगर हमने वाइटमिन भी हैं कि वो चलो ठीक है हमारा मेजर पार्ट ऑफ द फूड नहीं फॉर्म करते थोड़ा छोटा पार्ट करते हैं तो उन वाइटमिन्स को भी हमें जो है एडिक्वेट अमाउंट में लेना है नहीं तो हमें और कोई बीमारियां हो सकती हैं सो so, ठीक है तो हमें ये पता चल गया कि एट फोर्टी मिलियन पीपल जो हैं दे आर बेयरली एबल टू

बायो फोर्टिफिकेशन सो ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल्स ऑफ एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन एंड हेल्दियर फैट्स उसको हम लोग क्या बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन इन्हीं डिमांड्स को मीट करने के लिए एक ऑल्टरनेट निकाला गया था कि बायोफोर्टिफिकेशन को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो इस बायो फोर्टिफिकेशन के अंदर क्या होता है तो बायो मेथड इट इन्वॉल्व द ब्रीडिंग ऑफ द क्रॉप्स विद हायर क्रॉप्स विद हायर लेवल ऑफ वाइटमिन मिनरल्स एंड प्रोटीन्स एंड फैट्स ठीक है सो द ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटीज दे हैव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग जब हम इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी वाले फूड की बात करते हैं तो उसकी ब्रीडिंग के लिए हम लोग क्या क्या देखेंगे सबसे पहला प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी नेक्स्ट हम देखेंगे ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी, थर्ड हम देखेंगे कंटेंट और लास्टली हम लोग देखेंगे माइक्रो न्यूट्रिय एंड मिनरल कंटेंट तो बायोफोर्टिफिकेशन की मेथड को जब हमने प्रैक्टिस करना है तो हमने क्या देखना है कि उसके अंदर ये सारी चीजें हों वो जो वैरायटी हम लोग चूज कर रहे हैं उसके अंदर ये वाली सारी चीजें होनी चाहिए दैन एटलस अ हाई प्रोटीन कंटेंट हैज़ बीन यूज एज अ डोनर फॉर इम्प्रूविंग कल्टिवेटेड वीट वीट के अंदर एक वराइटी आती है एटलस सिक्सटी सिक्स जिसको हम एज अ डोनर यूज कर रहे हैं टू इम्प्रूव द कल्टीवेट वीट सो आई ए आर आई Indian Agriculture Research Institute New Delhi they have released many varieties of vegetable crops which are rich in vitamins and minerals like vitamin A enriched carrot spinach and pumpkin and vitamin C enriched bitter gourd bathua mustard iron calcium and calcium enriched spinach and bathua and protein enriched beans ब्रॉड लब लब फ्रेंच गार्डन पीस तो आई ए आर आई जो है न्यू डेली के अंदर जो सिचुएटेड है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट उन्होंने बहुत सारी वराइटीज जो है वेजिटेबल क्रॉप्स की निकाली है जो कि एडिशनल वाइटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करती है जैसे कि वाइटमिन ए रिच कैरेट स्पिनिच एंड पम्पकिन वाइटामिन सी एन रिंज क्या हो गया हमारा बिटागार्ड हो गया बथुआ हो गया मस्टर्ड आयरन देन हमारा आ गया कैल्शियम रिच हो गया हमारा स्पिनच हो गया बथुआ हो गया और प्रोटीन एन रिज हमारे बीन्स हो गए तो उन्होंने जो है ये स्पेशल वैराइटीज निकाली है अदर देन द वंस ग्रोइंग हेयर जो हमारी नॉर्मली ग्रो कर रही हैं उनसे ज्यादा इनके अंदर विटामिन और मिनरल कंटेंट रहेगा सो so, एटलस 66 क्या है इट हैज हाई प्रोटीन कंटेंट एंड इट इज एज अ डोनर फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ व्हीट तो एक बार हम लोग आज के लेक्चर में देख लेते हैं हम लोगों ने क्या देखा है स्टार्टिंग विद द प्लांट ब्रीडिंग जो कन्वेंशनल प्रैक्टिस है हमने उससे स्टार्ट किया था कि प्लांट ब्रीडिंग की कन्वेंशनल प्रैक्टिस क्या होती है सबसे पहले हमने वेरिएबिलिटी को कलेक्ट करना है द कलेक्शन ऑफ द वेरिएबिलिटी विच इज द कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ डिफरेंट वाइल्ड वराइटीज स्पीशीज एंड रिलेटिव ऑफ दिस कल्टिवेटेड स्पीशीज देन हम क्या करेंगे <coughs> थर्ड स्टेप क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन उन दोनों के दोनों प्लांट्स डिजायरेबल ट्रेड्स कैरी कर रहे हैं उनको हाइब्रिडाइज कराया और अपना जो है मनपसंद हमें ऑप्टेन हो गया ऑस्प्रिंग ठीक है चौथा स्टेप होगा हमारा सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द सुपीरियर रिकॉम्बिनेंस जो भी रिकॉम्बिनेंस आए हैं हमने उनका सिलेक्शन करना है टेस्टिंग करनी है लास्ट टेस्टिंग रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ द न्यू कल्टीवेटर्स अगर वो टेस्टिंग सक्सेसफुली कि जो हमें चाहिए था रिकॉम्बिन के अंदर वो हमने पाया तो उसे हम रिलीज कर देंगे टू दल्टिवेटर्स फर्स्ट हमारा आया था वीट एंड राइस में वीट एंड राइस की जो हमारी प्रोडक्शन थी वो 1960 से लेकर 2000 में शूट कर गई थी क्योंकि उस टाइम पे हमारी सेमी डॉफ वराइटीज जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी सो so, सोनालिका कल्याण सोना जो है हमारी वीट की वराइटी वो क्या है वो हमारी डिजीज रेजिस्टेंट है एंड दे प्रोवाइड हाई ईल्ड ठीक है देन उसके बाद में सेमी डॉफ वराइटी ऑफ राइस के जब हम लोग आते हैं उस पर आते हैं सो इट इज़ डिराइड फ्रॉम आई आर एड एंड टाइचुंग नेटिव वन टाइचिंग नेटिवन इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बट लेटर ऑन जया एंड रत्ना जो कि इंडिया ने खुद डेवलप की सेमिडोफ वराइटी ऑफ राइस उसको इंट्रोड्यूस किया गया देन हमारी बारी आई किसकी शुगर केन की तो जब हम शुगर केन की बारी करते हैं तो उसके अंदर भी हाईड थिक स्टेम और एबिलिट हो शुगर, शुगर केन एरिया और शुगर कंटेंट भी उसमें ज्यादा था हमने जो है साकरम बारबरी और सेक्रम ऑफिशन एरम को जब क्रॉस कराया था हमें जो वराइटी मिली थी उसके अंदर ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे नेक्स्ट मिलेट्स जैसे हाइब्रिड मेज ज्वार और बाजरा हो गए उनमें भी हाई हाईडिंग थी और वाटर स्ट्रेस से रेजिस्टेंट थे अब हमने जो है डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट अगर डेवलप करने हैं तो हम क्या करेंगे हम ब्रीडिंग करवाएंगे बाय द कन्वेंशनल और दी म्यूटेशनल ब्रीडिंग जब हम कन्वेंशनल की बात करते हैं तो हम वही करेंगे हम जिनोम सेलेक्ट करेंगे पेरेंट्स के जिसके अंदर दोनों के अंदर डिजीज रेजिस्टेंस होगी उसके बाद में मेटिंग करवाएंगे उसके बाद में सेलेक्शन करवाएंगे सुपीरियर हाइब्रिड्स का फिर टेस्टिंग करवाएंगे और उसके बाद में रिलीज़ कर देंगे न्यू वराइटी का ये हमारी कन्वेंशनल हो गई तो ये कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ द क्रॉप एंड देर वरायटी विच डिजीजिज दे आर रेजिस्टेंट टू तो म्यूटेशन uh, ब्रीडिंग के अंदर हम क्या करते हैं बाय म्यूटेंट्स इधर केमिकल और रेडिएशन हम क्या करते हैं कुछ कुछ जेनेटिक वेरिएशन लाते हैं जीन्स के अंदर जिसके अंदर बेस सिक्वेंस को ऑल्डर करके हम लोग जो है नई का क्रिएशन करते हैं जो कि अपनी पेरेंटल से डिफरेंट है एंड दिस इज नोन एज म्यूटेशन ब्रीडिंग इससे क्या डेवलप किया गया था हमारा मून बींग रेजिस्टेंट टू द येल्लो मोजाइक वायरस ठीक है देन इंसेक्ट रेजिस्टेंट पे जम आते हैं वही कन्वेंशनल ब्रीडिंग करेंगे यहाँ पे डिजीज नहीं यहाँ पे इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रेड्स होंगे ठीक है तो ये कुछ क्रॉप्स हैं उनकी वैरायटी जो कि कौन से इंसेक्ट जो पेस्ट है उनसे रेजिस्टेंट डेवलप की गई है देन उसके बाद में हम आए कि कैसे जो है हम फूड वैरायटी को इंक्रीज कर सकते हैं फ़ूड वैरायटी के अंदर जो है इम्प्रूव कर सकते हैं क्वालिटी तो उसके लिए हमने जो मेथड निकाला वो था बायो फोर्टिफिकेशन का जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं जो क्रॉप्स हैं उनकी जिनके अंदर हायर लेवल्स ऑफ वाइटामस एंड मिनरल्स हैं या फिर हायर प्रोटीन्स या फिर हेल्दियर फैट्स हैं उनको क्रॉस करवा के हम लोग नई वराइटीज़ बना सकते हैं पर जो वराइटीज़ हम लोग क्रॉस करवाते हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी विटामिन कंटेंट एंड माइक्रोन्यूट्रीट एंड मिनरल कंटेंट फिर हमारा आया कि एटलस 66 जो हमारी वैरायटी थी उसके अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट था उसे हम लोग कल्टीवेटेड वीट की वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं देन है ने काफी सारी वेजिटेबल क्रॉप जो है जिनके अंदर एनहांस्ड वाइटमिन एंड मिनरल है वो डेवलप की हुई है तो चलते हैं क्वेश्चन के साथ देन हु इज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है ग्रोइंग ऑफ मोर एंड मोर क्रॉप्स सो हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवल्यूशन इन इंडिया ए एम एस स्वामीनाथन बी चार्ल डी स्टैंडली कोहन ए बी सी डी ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कौन है ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कौन है अगर नहीं पता तो फटाफट से गूगल करो और यहाँ पे आंसर करो फटाफट से गूगल करके यहाँ पे आंसर करो तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन इन्होंने जो है ग्रीन रेवोल्यूशन इंड्यूस किया था जैसे कि ब्लू ब्लू रेवोल्यूशन था जिसके अंदर हम लोग फिशरीज़ को प्रमोट कर रहे थे वैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर हमने क्रॉप ग्रोथ को प्रमोट किया है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्लांट ब्रीडिंग जब हम प्लांट ब्रीडिंग की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है फर्स्ट हेल्प टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स सेकेंड पर्पज मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज थर्ड थर्ड्स डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट या फिर डी नॉट सुड फॉर कल्टिवेशन जब हम लोग प्लांट ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं तो इंक्रीज इन यील्ड तो ये तो मैंडेटरी है तो ये तो है पर्पजफुल मैनुपुलेशन हाँ हम स्पीशीज़ का मैन्युपलेशन करते हैं क्योंकि हमें जो अपने डिजायरेबल ट्रेड्स चाहिए होते हैं तो ये भी है देन डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट हाँ हमें डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट भी चाहिए होते हैं नॉट सूटेड फॉर कल्टिवेशन ये बिल्कुल गलत है मतलब ये ऑप्शन सही है दिस इज़ नॉट द रिलेटेड टू प्लांट ब्रीडिंग ऑप्शन डी क्योंकि हम जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं दे आर सूटेड फॉर कल्टिवेशन थ्रू दी ब्रीडिंग ये गलत है कि दे आर नॉट सूटेड फॉर कल्टिवेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनवॉल्ड इन क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग जब हम क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग प्रैक्टिस की इन्वॉल्वमेंट करते हैं तो इसमें से कौन सा इन्वॉल्व नहीं है फर्स्ट दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन बी आर्टिफिशियल ऑफ प्लांट्स थर्ड डिजायरेबल श्रेड्स ऑफ हाईड या फिर डी मॉलिकुलर बायोलॉजी हम जब कन्वेंशनल ब्रीडिंग पढ़ी थी हमने हमने देखा था कि हाँ सिलेक्शन ऑफ दी सुपेरियर पेरेंट्स हमने किया था है ना उसके बाद में हमने उन्हें हाइब्रिडाइज़ करवाया था ये करेक्ट है देन उसके बाद में हमने सेलेक्ट किया था रिकॉम्बिनेंस को ये भी करेक्ट है देन डिजायरेबल ट्रेड्स ऑफ हाईड वही तो सेलेक्ट करके हमने आगे की वराइटीज बनाई थी मॉलिकुलर बायोलॉजी का कहीं भी प्रयोग हुआ था कहीं भी यूज हुआ था मॉलिकुलर बायोलॉजी का आई डोंट थिंक सो तो ऑप्शन डी करेक्ट है ऑप्शन डी करेक्ट है विच ऑफ़ दॉट अ ट्रेड दैट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन अट इनमें से कौन सा ट्रेड जो है हमें क्रॉप प्लांट के अंदर इंकारट नहीं करना होता है ए डिक्रीज टॉलरेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस बी इंक्रीज सी रेजिस्टेंट टू पैथोजन या फिर डी इंक्रीज टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट हमने जो है प्लांट्स को बेसिकली रेजिस्टेंट बनाना होता है चाहे वो इन्वायरमेंटल चीजें हों चाहे वो इंसेक्ट हो चाहे वो डिजीजेज हो, हो है ना जिससे कि प्लांट्स जो है स्ट्रांग रहे उनके ऊपर कोई भी चीज अफेक्ट ना करे वो एक कॉन्स्टेंटली जो है ग्रो करते रहे वल्नरेबल ना हो तो इसके अंदर इंक्रीज यील्ड भी चाहिए था हमें रेजिस्टेंट टू पैथोजन भी चाहिए था इंक्रीज टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट भी चाहिए था डिक्रीज टॉलरेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस क्या हमें ये चाहिए था कि डिक्रीज हो जाए टॉलरेंस नहीं हमें ये नहीं चाहिए था हमें चाहिए था कि बल्कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस से कोप अप कर ले बहुत कोप कोपअप कर ले तो ऑप्शन ए गलत हुआ मतलब ऑप्शन ये सही हुआ वो गलत हुआ कि ये हमें जो है इनकॉर्पोरेट करना था ये गलत हुआ तो ऑप्शन ए करेक्ट है ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन स्टेप इन कैरिंग आउट प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक ए कलेक्शन ऑफ द डिजीज पेरेंट्स सी सिलेक्शन एंड सिलेक्शन ऑफ द से कौन सा जो है हमारा प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक के अंदर मेन स्टेप नहीं है ए बी सी डी वेरिएबिलिटी तो हम लोग कलेक्ट करते हैं Then cross hybridization, then selection एंड टेस्टिंग देन evaluation एंड सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स ए बी सी डी क्या रहेगा इसका आंसर ऑप्शन बी क्रॉस hybridization अमंग द डिजीज पेरेंट्स हमें डिजीज नहीं डिजीज रेजिस्टेंट पेरेंट्स को जो है क्रॉस हाइब्रिडाइज करवाना होता है अगर डिजीज पेरेंट्स को करवाएंगे तो आगे ऑफस्प्रिंग कैसा मिलेगा हमें डिजीज ऑफस्प्रिंग मिलेगा तो क्या वो हमारा डिजायरेबल होगा नहीं तो बच्चों ये था हमारा प्लांट ब्रीडिंग के बारे में कि कैसे जो है हम अपनी इम्प्रूव प्लांट वराइटीज़ को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ठीक है तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सिंगल सेल प्रोटीन और टिश्यू कल्चर के बारे में देखेंगे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना अड्डा ट्वेंटी फोर स्कूल के चैनल को मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए बाय